The question is, a light rigid rod connected with two particles of masses m and 2m rotates in a vertical plane against a horizontal and vertical surface shown in the figure. The angular momentum particle 1 relative to 2 is. Similar type of question, आपका angular velocity में भी आ सकता है. मतलब एक rod है. Okay. मान लीजिए एक रिजिड रॉड है, यहाँ पे बॉडी ए है, ये बॉडी बी है. ये बॉडी का वेलोसिटी लेट वी ए है, ये वेलोसिटी का, ये पॉइंट का वेलोसिटी मान लीजिए कोई एक इंस्टेंट में से वी वी दिया है. सॉरी, दिस इज वी वी, दिस इज वी ए. लेट दिस इज, लेट ये थीटा वन एंगल है, ये थीटा टू एंगल. तो यहाँ पे ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड ओमेगा रिलेटिव, मतलब ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी भी पूछा जा सकता है. तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिखा जाता था कि नहीं. तो उसी हिसाब से वी बाई आर, तो वी रिलेटिव बाई आर. क्लियर, वी रिलेटिव मतलब कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला, जो वी आर ओमेगा में अगर एक पार्टिकल ऐसे वी स्पीड से घूम रहा है तो हम इसके अबाउट में, सेंटर के अबाउट में क्या लिखते थे, वी बाई आर, वी एंड आर आपका परपेंडिकुलर होता था. ऐसे वी रिलेटिव परपेंडिकुलर बाई आर ढूंढेंगे. भी रिलेटिव परपेंडिकुलर मतलब इसका दो कंपोनेंट बनेगा आपका. इसका होगा ये वी वी साइन थीटा वन, ये हो जाएगा वी वी कॉस थीटा वन. एग्जैक्टली इसका ऐसा आएगा वी ए साइन थीटा टू, इधर वी ए कॉस थीटा टू. देखिए दोनों जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट्स है रॉड को, वही दोनों आपको रिलेटिव स्पीड देंगे. दोनों अपोजिट साइड में है तो रिलेटिव स्पीड का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड को ऐड कर लीजिए बस. वी ए साइन थीटा टू प्लस वी वी साइन थीटा वन, ये होगा उनका रिलेटिव स्पीड डिवाइडेड बाई लेंथ. ए से बी तक लेंथ लेट एल है, दिया होगा क्वेश्चन पे, एल कर दीजिए. सिमिलर तरीके से ये क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है. देखिए क्या दिया है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का बात किया गया है. ये आपका रॉड है, यहाँ पे मास आपका 2m है, यहाँ पे मास m है, ये पॉइंट कुछ भी स्पीड से इधर जा रहा है, भी स्पीड से इधर की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो ये आपका दो नंबर पॉइंट है, ये आपका एक नंबर पॉइंट है. लेट ये वाला भी वन से इधर आ रहा है, तो कहानी वही करेंगे, परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स, ये उस समय का एंगल दिया है, उस इंस्टेंट का थीटा है, तो ये थीटा होगा तो ये थीटा, तो उसी हिसाब से ये वी कॉस थीटा, ये होगा वी साइन थीटा. हमको एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम जो होता है आर क्रॉस पी होता है कि नहीं, आर क्रॉस पी होता है. इसका मतलब पर उनका मास लिखिए, वेलोसिटी रिलेटिव वाला लगा सकते हैं कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम ही पूछा है ना. यस, मास लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा. तभी ये आपका वी साइन थीटा है, ये वी कॉस थीटा है, एंड ये डिस्टेंस दिया है एल. तो इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी निकाल लीजिए पहले, ये हो गया.
ये भी वन, ये थीटा, तो भी वन इधर, भी वन साइन थीटा, समझ में। आज ये रिजिड स्ट्रक्चर भी वन भी के बीच में कुछ रिलेशन आएगा कि नहीं। अलोंग द रॉड, रॉड आज ए रिजिड, लेंथ टू रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर लेंथ कॉन्स्टेंट है तो उसके अलोंग में हर पार्टिकल का वेलोसिटी, किसके अलोंग में, रॉड के अलोंग में हर पॉइंट का वेलोसिटी को सेम रखना पड़ेगा। मतलब वी वन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी कॉस थीटा, तो वी वन का वैल्यू वी कॉस थीटा तो होगा ही। ये आपको आंसर मिला, पहला आंसर। तो अभी देखते हैं उनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड है। ओके, इसका मैं कहूँगा रिलेटिव एम वी वन कॉस थीटा, उसका रहेगा दोनों अपोजिट साइड में है, इसका मोमेंटम टू एम भी साइन थीटा, टू के रेस्पेक्ट वन, एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। चलिए एम नहीं, क्यों, इसके रेस्पेक्ट में पूछा है ना, इसके रेस्पेक्ट में, टू के रेस्पेक्ट में वन क्या होगा, तो आप यहीं पे खड़े हो जाइए, आप यहीं पे खड़े हो जाइए, तो आप इसके रेस्पेक्ट में ये रिलेटिवली क्या मोशन करेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या मोशन करेगा, तो इसका मास एम, किसका मास, एक नंबर का, इसका रिलेटिव स्पीड परपेंडिकुलर वाला कितना होगा, वी वन कॉस थीटा वी साइन थीटा, समझ में आया, जिस वहाँ पे किए थे ऊपर में, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है, इसको लिखते हैं अभी, एम वी वन की जगह लिखूँगा वी कॉट थीटा, कॉट थीटा मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये वी वन का हो गया, वी वन का एक्सप्रेशन हो गया, फिर से कॉस थीटा भी है प्लस वी साइन थीटा, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले जाइए, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो एम वी एल बाई साइन थीटा, दिस इज आंसर। तो ऑप्शन फोर, ठीक है, दिस इज आंसर।